सास का कत्ल दामाद ने किया, दामाद हुआ गिरफ्तार, शालीबंडा पुलिस स्टेशन हुदूद। जी हां नाजरीन, बड़े ही अफसोसनाक खबर है। शालीबंडा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके पंचमुखी हनुमान टेंपल के पास, जहां पर एक शराबी दामाद जिसका नाम सेनापति चंद्रा गुप्ता है, उसने अपने ही 60 साल की सास जिसका नाम विजया लक्ष्मी का चाकू से हमला करके उसका कत्ल कर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए एसीपी फलक नुमा ने सारी तफसीलात बताई। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। एक आठ दस साल से रह रहे होंगे, बच्चे क्या है विजय लक्ष्मी को? दो बेटे, एक बेटे आते जाते हैं, एक बेटे आता जाता। बेटी, दो बेटियां? दो बेटे और बेटी। बेटा, बेटे कहाँ रहते हैं? दो बेटे हैं। और बेटे कहाँ रहते हैं? एक आता जाता, एक आता जाता नहीं चला। खाओ भाई, कहाँ रहते हो लोग? एक बेटा बच्चों को क्या उम्र है? बच्चे बड़े हैं, नौकरियों करते हैं। अचानक आगे ऐसा कर दिया। हम बातें करते हैं, मेरे चप्पल क्या रहते जी? चलो हाँ, मैं क्या नाम है? शंकर राव नाम। हाँ शंकर, गुड इवनिंग। आज ये पंचमुखी हनुमान टेम्पल के एरिया शालीबंडा पुलिस स्टेशन एरिया में यहाँ पर रहने वाले चिंतकानी विजयलक्ष्मी 62 इयर्स को उनके दामाद सेनापति चंद्रगुप्ता ने कत्ल किया। उसका रीज़न है उनका बेटी जयंती का शादी जो है सो ये चंद्रगुप्ता से एक 22 इयर्स बैक हुआ था। पहले उन्होंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करते थे, बाद में सोशल वर्सेस को आदत हो गए। उनका बीवी जो है सो कॉस्मेटिक कंपनी में काम करते हुए घर चला रहे थे। दो मर्द बच्चे, दो लड़के हैं 20 इयर्स एंड 19 इयर्स। वो बच्चों का पढ़ाई हर चीज़ भी उन्होंने देख लेते थे। इन्होंने घर पे हर दिन बीवी के पास पैसे लेके जाना, सताना वो सब चल रहा था। तो इसी ऐसा होते रहे। तो परसों आठ दिन पहले उन्होंने अपना मायके को आए, उनको छोड़ गया। हर बार इन्होंने सता रहे बोल के, इन्होंने अपने मायके में है जब उनके सास जो है सो बीवी को सपोर्ट कर रहे हैं बोल के, इन्होंने जो है सो आज शाम में 3 बजे के टाइम पे ससुराल पे आए। इनके सास को पूछा, मेरे बीवी को भिजाते नहीं भिजाते बोल के, ये काम को गए, तुम्हारे बीवी आने का है तो लेके जाओ बोल के। उन्होंने बोले वहीं पर मौजूद है तो उनके दो बेटों को खाना खाए पूछे, अभी नहीं खाए बोले। अब उसने में तब गुस्से में आके ऑलरेडी उनके साथ लाल ऐसे चाकू से उनको भोंक दिया उन्होंने, या लेफ्ट रिब्स के नीचे भोंके, दो बार भोंके। वो भोंकने से वहीं मर गए उन्होंने। और वो चाकू लेने में उनके बच्चे चाकू को खींच ले रहे थे, उनके नानी को नानी पे अटैक करते रहे तो ले रहे थे। तो उन्होंने जो है सो रोकने में, जब ये लोग बच्चे रोकते रहे तो पी के था आदमी, वो लोगों से चाकू नहीं देने का नहीं देना चाह के वो लोगों से चाकू खींच लेने जाके फिसल के दीवार को लगे और नीचे गिर गए। उनको भी सिर को मार लगा, उनको हॉस्पिटल को भेजा है, उन्होंने ट्रीटमेंट चल रहा उनका भी, और ये डेड बॉडी भी हॉस्पिटल को भेजा है। कल पोस्टमार्टम होगा इंशाल्लाह। और ये इन्वेस्टिगेशन जो है सो किशन इंस्पेक्टर शालीबंडा कर रहे हैं।